नई दिल्ली के विज्ञान भवन से, जहां पर विभिन्न राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्री मौजूद हैं। साथ ही वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कर एक सफल करियर बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन में मुख्य अतिथि रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री आज सीधा संपर्क करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग में अपना करियर बनाया। हम देख सकते हैं मंच पर केंद्रीय मंत्री आसीन है, श्री कलराज मिश्र केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ये अवॉर्डीज हैं जिन्हें आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग में अपना करियर बनाया, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में देखा जाएगा। एज पार्ट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विल रिलीज अ बुकलेट on National Brand Ambassadors for Vocational Training. Some of these students participated in the All India Skill Competition. And today, we have the toppers here who will be felicitated by the Honorable Prime Minister. These are the winners, the toppers of the skill competition. They may have excelled in tool and die making category and therefore made a successful career in automobile sector or in cutting and sewing as a draughtsman mechanic, turner, fitter, machinist, millwright, maintenance, welder and many more. Rajdhani Delhi ke Vigyan Bhavan ke isi venue se 25 September ko माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या अन्य सेक्टर, उनमें रोजगार के अपार अवसर हैं और माननीय प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार सृजन हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, फूलों से उनका स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनॉग्रल सेशन के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन प्रांगण पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में वो मेन हॉल में पहुंच जाएंगे, जहां पर मंच पर पहले से ही केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र मौजूद हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री आनंद गीते। और तालियों से अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन के मेन हॉल में। माननीय, आपकी गरिमामय उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। हम यहाँ मौजूद सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमसे इस वक्त जुड़े 11 लाख आईटीआई स्टूडेंट्स, लगभग 6 से 7 लाख एस्टेब्लिशमेंट्स के दर्शकगण, टीवी और रेडियो के माध्यम से जुड़े दर्शकगण, श्रोतागण, सभी को इस कार्यक्रम में शामिल करके हम अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर आज की इस महत्वाकांक्षी पहल का स्वागत करें। अब रोज सुबह भारतवासियों की आंखों में एक नया सूरज निकलता है, करोड़ों उम्मीदें अब सपने बुनने लगी हैं। आज का ये कार्यक्रम युगकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलकर श्रमेव जयते को चरितार्थ करते हुए न सिर्फ श्रमिकगण और उद्योगों को सरलता, सहजता और पारदर्शिता मुहैया कराएगा, बल्कि बुलंद भारत के सपने को अपनी मंजिल तक पहुँचाने में एक उत्प्रेरक का काम भी करेगा। ये पहल महज एक कदम नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन करके एक नए बदलाव की क्रांतिकारी शुरुआत है। अब हम श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय से निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें।
आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में पधारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन समस्त वरिष्ठ मंत्रीगण, राज्यों से आए सम्मानित मंत्रीगण, मंचस्थ अधिकारीगण तथा इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज राज्यों के श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण मामलों के मंत्रियों के इस एक दिवसीय सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हमारे इस कार्यक्रम का आरंभ आपकी गरिमा में उपस्थिति में हुआ है और हमारे प्रयासों का आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आपका कृतज्ञ है। आज मंच पर जो मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी विराजमान हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। राष्ट्र का विकास हमारे सम्मिलित प्रयासों की नींव पर ही होगा। मुझे हर्ष है कि आज हम इस सभागार में इसी सहभागिता की भावना के साथ आए हुए हैं। मैं राज्यों से आए सभी मंत्री और उनके अधिकारियों का भी स्वागत करता हूँ। श्रम समवर्ती सूची का विषय है, अतएव श्रम जगत से जुड़े मुद्दों पर राज्यों और केंद्र की बराबरी की भागीदारी और परस्पर सहयोग का विशेष महत्व है। श्रम जगत के मुद्दे जन सामान्य से जुड़े हैं, जन सामान्य के कल्याण और उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति निहित है। इस बैठक के माध्यम से स्वस्थ विचार विमर्श तथा प्रभावपूर्ण सहयोग के हमारे साझा प्रयासों को और बल मिलेगा। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री विष्णुदेव साय। अश्वस्य भूषणम वेगो उद्योगो नर भूषणम, यानी जिस तरह से वेग या गति अश्व का आभूषण है, उसी तरह से उद्यम करना, श्रम करना मनुष्य का आभूषण है। आज का ये दिन निश्चित ही श्रम जगत के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार दिन है। श्रम से जुड़ी ये नई पहल न सिर्फ रोजगार के रास्ते आसान बनाएगी, बल्कि श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, उद्योगों को कामयाबी और देश की अर्थव्यवस्था को गति। हमारी ये फिल्म श्रमेव जयते विकास की इन्हीं अनंत संभावनाओं का ही एक ताना बाना है। आइए देखते हैं। पहले अनदेखी सी दीवारों से टकराता हुआ विकास, सामने होती थी मंजिल पर पा नहीं सकता था नौजवान, मगर अब दीवारें टूटेंगी, दरवाजे खुलेंगे, देश के करोड़ों श्रमिक, उत्पादक और युवा मिलकर करेंगे एक श्रम क्रांति का आगाज। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम। मेरे प्यारे देशवासियों, सारा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। अब भारत में काम और व्यवसाय करना होगा और आसान, क्योंकि अब भारत सरकार करने जा रही है कभी ना किए हों ऐसे सुधारों का ऐलान। फॉर द एम्प्लॉयर्स, पहले रिटर्न्स फाइल करने के लिए लंबा इंतजार, इंस्पेक्शन की परेशानी, वक्त की बर्बादी। अब देश के सभी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे ऑनलाइन श्रम सुविधा पोर्टल पर। अब ना ही मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे और ना ही बार बार रिटर्न फाइलिंग का झंझट। अब उद्योग अलग अलग 16 कानूनों के लिए ऑनलाइन फाइल करेंगे सेल्फ सर्टिफाइड सिंगल एनुअल रिटर्न।
अब सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा शिकायतों का भी निवारण। अब इंडस्ट्रीज में होगा इंस्पेक्टर राज का अंत, क्योंकि जन्म हुआ है एक नए रैंडम इंस्पेक्शन सिस्टम का। अब इंस्पेक्शन के 72 घंटों में ही होगी उसकी रिपोर्ट अपलोड फॉर द ऑर्गेनाइज्ड लेबर। पहले जॉब बदलने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होता था बीएफ का, अब बीएफ बेनिफिट्स होंगे पोर्टेबल। अब देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर के 4,17,00,000 कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉइज को मिला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि जुड़ा होगा एम्प्लॉइज के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से। अब देश में कहीं भी काम करते रहिए, आपके पीएफ बेनिफिट्स जमा होते रहेंगे आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर। फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, पहले असंगठित श्रमिक परेशान, ना तो ज्ञान ना ही सुविधाओं का संकलन। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बनाया गया और बेहतर। अब इस योजना के तहत दिए जाने वाले स्मार्ट कार्ड्स में भारत सरकार की दो अन्य बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का समावेश किया जाएगा, और साथ ही इन स्मार्ट कार्ड्स को उनके बैंक अकाउंट्स और आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। अब इन्हीं स्मार्ट कार्ड्स में आगे जाकर राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं को जोड़ पाएंगी। फॉर द यूथ, पहले देश में युवा है पर स्किल नहीं, स्किल है तो सर्टिफिकेशन नहीं, अप्रेंटिस के लिए मौका नहीं। अब अप्रेंटिस सीट्स की संख्या बढ़ाकर 23,00,000 करने का विशाल लक्ष्य साधा है भारत ने। अब होने जा रहा है अप्रेंटिसेस एक्ट में बड़ा सुधार। अब युवकों का स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी तैयार। जो है आज के युवा, वही तो है देश के आने वाले कल की स्किल्ड लेबर फोर्स। अब इंडस्ट्रीज के साथ किए गए हैं फ्लेक्सी एमओयूज, जहां स्पेशल कोर्सेज में ट्रेनिंग के साथ रोजगार की भी गारंटी। अब विकलांग भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वीआरसीज के जरिए पाकर रोजगार। 2022 तक निर्माण क्षेत्र में जुड़े होंगे करीब 8,30,00,000 कामगार, जिनको प्रशिक्षित करना बना देश का सबसे बड़ा मिशन। अब मिलेगा बिन कुशल निर्माण कामगारों को कौशल्य और अप्रमाणित को प्रमाण। अब एनसीबीटी द्वारा सर्टिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ कंसल्टेशन से निर्माण, कामगारों को मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की दी जा रही है ट्रेनिंग। अब हर क्षेत्र में युवा होंगे स्किल्ड और ट्रेन्ड लेबर होगा तैयार। आज, अब और अभी सुधार, समागम और सरल नीतियों से साकार होगा मेक इन इंडिया का स्वप्न। आज हम सालों पुरानी बेड़ियों को तोड़ेंगे और श्रम को विकास से जोड़ेंगे। ये जन आंदोलन है 21वीं सदी के युवा भारत का, सरकार और श्रमिकों के बीच भागीदारी का, सबके साथ बढ़कर सबके विकास का। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम। तो अभी आपने देखा कि मंत्रालय की पहल ईज ऑफ कंप्लायंस किस तरह से राष्ट्र की पहल डेमोग्राफिक डिविडेंड से मिलकर एकाकार हो गई। इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बड़ी कर्मठता से इस मुहिम के हर आयाम को पूर्णता का आकार देने में लगा हुआ है। अब हमारा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर से सादर अनुरोध है कि कृपया हमारे मंत्रालय की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालें। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान इस देश की आशाओं के केंद्र भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी, माननीय मंत्री श्री अनंत कुमार गीते जी, माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, विभाग की सचिव श्रीमती गौरी कुमार जी,
और इस अवसर पर उपस्थित केंद्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, अधिकारी साहिबान और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम मैं आज आप सभी को इस अवसर पर पाकर मैं निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से जो गरिमा बढ़ाई है उसका शब्दों में वर्णन करना या मेरे लिए संभव नहीं है और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब श्रम मंत्रालय से केंद्र और राज्य से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, इसलिए आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से स्वागत करें। देश में नई सरकार के गठन के पश्चात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आशा का संचार हुआ है। सारा देश तो उन्हें आशा भरी नज़रों से देख ही रहा है, लेकिन आज दुनिया का राजनीतिक मंच भी माननीय मोदी जी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। माननीय मोदी जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद हम सबको कहा है कि शासन में सुशासन, पारदर्शिता और सेवा और कल्याण निहित होना चाहिए। शासन एक व्यवस्था है, लेकिन अगर पारदर्शिता और सुशासन नहीं है तो ऐसे शासन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सिद्धांत पर हम लोगों को आगे चलने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा, देश की आवश्यकता, समय की मांग, इसको दृष्टिगत रखते हुए जो उनका आह्वान है उस आह्वान को पूर्णता प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है और उन्हीं कदमों में जो नई पहल है उसका शुभारंभ करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आप सब लोगों ने फिल्म देखी है। फिल्म में आज श्रम सुविधा पोर्टल, इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज संपन्न होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसका शुभारंभ भी होगा। इंस्पेक्शन स्कीम, इसका शुभारंभ भी होगा और अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। श्रम सुविधा पोर्टल यह एक तौर से श्रमिकों के क्षेत्र में, नियोक्ताओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है और इससे पारदर्शिता भी आएगी, काम करने में सरलता भी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से विभाग 6-7 लाख जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको एक श्रम पहचान नंबर देगा और ये सारी की सारी इकाइयां श्रम विभाग के जो 16 कानून हैं, श्रम विभाग के कानून तो 44 हैं लेकिन 16 कानून ऐसे हैं जिनको सीधा सीधा केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, शेष कानून राज्यों के द्वारा लागू होते हैं। 16 कानूनों में इस पोर्टल में 7 लाख औद्योगिक इकाइयां अपना ऑनलाइन रिटर्न भर सकेंगे, उसका स्वप्रमाणन भी कर सकेंगे। यह समय की आवश्यकता थी, इससे भागदौड़ में भी कमी आएगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से काम करने में सरलता दिखेगी। हमारा प्रोविडेंट फंड काम करता है, इसके अंतर्गत 4,17,00,000 श्रमिक आते हैं। 4,17,00,000 श्रमिक को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे रहे हैं।
कभी कभी अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोविडेंट फंड में 27,000 करोड़ रुपया ऐसा डला हुआ है जिनका कोई दावा करने वाला नहीं है, लेकिन यह सच है कि 27,000 करोड़ रुपया है, लेकिन वो दावा रहित है, यह सच नहीं है। एक व्यक्ति एक कारखाने में 6 महीने काम करता है और उसके बाद उसकी दूसरी जगह 1,000 किलोमीटर दूर नौकरी लग जाती है। 6 महीना का प्रोविडेंट फंड एक जगह जमा हो गया, अब उसको लाने के लिए वो दोबारा आ नहीं पाता और इसके कारण वो प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और उसका खाता एक तौर से निष्क्रिय पड़ा रहता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से ये होगा, पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, एक अकाउंट नंबर होगा, एक व्यक्ति एक जगह से नौकरी छोड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, वहीं ऑपरेट होगा, उसी नंबर से उसका पैसा जमा होगा, उसको वो कभी भी देश भर में देख सकता है अपने अकाउंट में उसका पैसा जमा है कि नहीं, वो पूरा ऑनलाइन होगा। ये पूरे देश में श्रमिकों को एक बड़ी सुविधा इसके माध्यम से दे रहे हैं। श्रम निरीक्षण योजना, हम सब कई बार चर्चा में बात करते हैं कि इंस्पेक्टर राज से बहुत परेशान है। इंस्पेक्टर जरूरी भी है क्योंकि बिना निरीक्षण और मॉनिटरिंग के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन निरीक्षण में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, यह अभी तक अभाव दिखाई देता था। इसलिए नई इंस्पेक्शन स्कीम विभाग ने बनाई है। अब यह इंस्पेक्शन स्कीम के अंतर्गत कल यदि किसी इंस्पेक्टर को किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है तो आज शाम को कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा कि उसको कौन सी फैक्ट्री अलॉट की गई है। तो एक व्यक्ति एक ही फैक्ट्री में 10 बार हैरेस करने के लिए इंस्पेक्शन नहीं कर सकेगा, और जिन फैक्ट्रियों में कभी इंस्पेक्शन नहीं होता उन फैक्ट्रियों में भी कवरेज एरिया इंस्पेक्शन का बढ़ेगा और 72 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल करनी पड़ेगी। अगर 72 घंटे में वो फाइल नहीं करेगा तो वह उसके लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से अप्रेंटिस योजना प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी आज करने वाले हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आज स्किल की बहुत आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में लोकसभा में ये कहा था कि हमको स्किल इंडिया बनाना है, और सिर्फ स्किल इंडिया ही नहीं बनाना, स्किल इंडिया का स्केल भी बढ़ाना है। तो स्किल इंडिया बनाना है, इसके लिए निश्चित रूप से श्रम और रोजगार विभाग की बड़ी भूमिका है। यूँ तो स्किल डेवलपमेंट में इस विभाग के अलावा 18 केंद्र सरकार के और मंत्रालय हैं जो स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से काम करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने समय की आवश्यकता को समझा, देश के करोड़ों नौजवानों को स्किल बनाने की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की अलग से घोषणा की है, वह भी काम प्रारंभ अपना कर रहा है, और श्रम और रोजगार विभाग के अंतर्गत भी यह काम है, और इसलिए अप्रेंटिस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ें। पहले क्या होता था कि अप्रेंटिस की जो संख्या थी हमारे यहाँ 4,09,000 सीट्स थी सारी इंडस्ट्री में मिला के, और पिछले दिनों देखा तो मालूम पड़ा कि 2,00,000 अप्रेंटिस ही उसमें प्रशिक्षण ले पाते हैं, लेकिन कानून की ऐसी बाधाएं थीं कि न तो नियोक्ता अप्रेंटिस को रखने की कोशिश करता था, स्टाइप फंड और बाकी चीज़ें इतनी कम थीं कि प्रशिक्षु भी आकर्षित नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अप्रेंटिस एक्ट में भी हम लोगों ने परिवर्तन हाउस में पेश किया, लोकसभा में पारित हो गया है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके कारण अप्रेंटिस एक्ट में अमेंडमेंट प्रस्तावित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, और अभी तक जो 4,09,000 अप्रेंटिस सीट होती थी इस एक्ट के खुल जाने के बाद, इसके राज्यसभा में पारित होने के बाद, अब 23,00,000 अप्रेंटिस पूरे देश भर में प्रशिक्षण ले सकेंगे। 23,00,000 अप्रेंटिस ये हैं और 11,00,000 लगभग ITIs के, ऐसा करके 34,00,000 लोग इसी मंत्रालय के माध्यम से नए प्रशिक्षु खड़े होंगे जो देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। आज हम सब लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि सामान्य तौर पर ध्यान में आता है
कि बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है तो आईआईटी में चला जाता है, फिर उसके बाद कोई एमबीबीएस करने चले जाते हैं, कोई बीई करने चले जाते हैं, कोई एमबीए करने चला जाता है। आईटीआई में वो व्यक्ति आता है जो बिल्कुल एकदम अंतिम पायदान पर खड़ा है, और आईटीआई को इसी दृष्टि से भी देखा जाता है। लेकिन आईटीआई ऐसी नहीं है, आईटीआई का ठीक प्रकार से प्रमाणीकरण हो पाए, आईटीआई को ठीक प्रकार से प्रोत्साहन मिल पाए, इसलिए आज आईटीआई के माध्यम से जिन लोगों ने अपने भविष्य को संवारा है, जो आज 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर काम कर रहे हैं, जो आज 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, जो आज 70,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे ब्रांड एम्बेसडरों को आज प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करना और उनको पुरस्कृत करना स्वीकार किया है। इसके कारण आईटीआई की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ेगी और लोग आईटीआई के माध्यम से स्किल्ड होना स्वीकार करेंगे, और मुझे लगता है देश के रोजगार की दृष्टि से यह बहुत बड़ा काम होएगा। आईटीआई के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आईटीआई को आईआईटी से जोड़ने की व्यवस्था, इंडस्ट्री के साथ फ्लेक्सी एमओयू, ऐसे कई चीज़ें हम लोगों ने की हैं जिनके कारण निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट में बहुत गति आने वाले कल में आने वाली है। ये हमारे देश की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूर्त करेगी। लेबर रिफॉर्म्स की बहुत बात चलती है, मुझे कहते हुए गर्व भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनका पूरा आशीर्वाद होने के कारण मंत्रालय ने पहले ही सत्र में 3 एक्ट संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए। फैक्ट्री एक्ट में हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं, अप्रेंटिस एक्ट का मैंने आपके सामने बताई, लेबर लॉ एडजस्टमेंट एक्ट वह भी राज्यसभा में हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है, और आने वाले समय में चाइल्ड लेबर एक्ट और हमारा एमएसएमई के लिए एक ही एक्ट हम बनाएं, इस दृष्टि से भी तैयारी विभाग में चल रही है, और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन में वो चीज़ सामने आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और घोषणा बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जब उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालय जो देश भर में हैं वो अप्रासंगिक हो गए हैं, उनकी प्रासंगिकता भी बढ़ाना है और वो रोजगार का वास्तव में जरिया बने, और वहाँ जो व्यक्ति जाए वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके, उनको कैरियर काउंसलिंग केंद्र के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। विभाग उस दिशा में भी निश्चित रूप से काम कर रहा है, कुछ दिन में वो काम पूरा होगा तो वो सामने आएगा। असंगठित क्षेत्र में RSBY एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, उसके माध्यम से भी श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहली बार हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है, और उस स्मार्ट कार्ड में RSBY के साथ आम आदमी बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको भी समाहित किया है, इसका भी निश्चित रूप से लाभ आने वाले समय में मिलेगा। मैं इस अवसर पर आज आप सब लोगों की उपस्थिति से निश्चित रूप से बहुत ही अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार इसलिए स्वागत करना चाहता हूँ। यह श्रम और रोजगार विभाग निश्चित रूप से बहुत ही उपेक्षित विभाग रहा है, लेकिन हमारे विभाग को निमंत्रण स्वीकार करके आपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इस विभाग से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का जो मान और गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस पोर्टल की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और अब बारी है उन्हीं पहलों पर आगे बढ़ने की, उन्हीं सपनों को साकार करने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान सबका साथ सबका विकास और उनके विश्वास मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करते हैं कि कृपया श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम निरीक्षण योजना और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से पोर्टेबिलिटी का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करें। विशिष्ट श्रम पहचान संख्या के आवंटन पर आपको बधाई। इस ऑनलाइन श्रम सुविधा पोर्टल से आप श्रम कानूनों का स्वप्रमाणन
व अनुपालन सुगमता से कर सकेंगे। Congratulations on allotment of unique labor identification number. This would help you to self-certify and comply easily with labor laws through online Shram Suvidha portal facility. 6.5 लाख व्यवसायों को आवंटित किए गए यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। श्रम सुविधा पोर्टल, अब व्यवसाय करना हो गया और भी आसान। पारदर्शी निरीक्षण योजना की सफलता के लिए आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इस हेतु मेरी शुभकामनाएं। Your cooperation is essential for the success of the transparent labor inspection scheme. My best wishes. 1800 inspectors ko aaj connect kiya gaya ek naye system se. Ab Bharat ke sabhi vyavsay labh lenge naye random inspection system ka. Labor inspection scheme ek nayi pehel paradarshi prashasanik vyavastha ki or. कर्मचारी भविष्य निधि में पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्राप्त होने पर बधाई, अब बिना किसी मध्यस्थता के आप अपने खाते का सीधा संचालन कर सकेंगे। Congratulations on getting portability facility for EPF account. Now you can operate your account without any intermediation. EPF subscribers के लिए नए युग का आरंभ। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एम्प्लॉइज की नई पहचान। श्रम सुविधा पोर्टल, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, भारत की प्रगति के नए पड़ाव। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। धन्यवाद माननीय। जागृत राष्ट्र अब स्किल्ड इंडिया के लक्ष्य को पाना चाहता है। अब वक्त आ गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को सामाजिक सम्मान और स्वीकृति मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा सादर निवेदन है कि कृपया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के संकलन का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें, साथ ही अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिताओं की स्मारिका का भी विमोचन करें। माननीय Congratulations on your choice to pursue vocational training. Come, let us realize our mission, Make in India. Best wishes for a successful career. व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के निर्णय पर आपको बधाई। आइए हम भारत में निर्माण के अपने मिशन को साकार करें। सफल करियर के लिए शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि देश भर के 4.2 लाख आईटीआई स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पास एसएमएस पहुंच चुका है। धन्यवाद माननीय। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे आईटीआई ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने लोगों की तमाम धारणाओं को झुठलाते हुए देश विदेश में नाम और प्रसिद्धि पाई है, उद्योगों में आईटीआई का नाम रोशन किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करते हैं कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर्स को सम्मानित करके पूरे राष्ट्र के ट्रेनीज का उत्साह वर्धन करें। माननीय इसके लिए कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। हम माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय और सचिव श्रीमती गौरी कुमार से भी निवेदन करते हैं कि कृपया वे भी इस कार्य में सम्मिलित हों। इन राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर्स को मिल रहा है सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह।
श्री ए गोपाल कृष्णन, तमिलनाडु के एक निर्धन परिवार के गोपाल कृष्णन ने आईटीआई से टर्नर व्यवसाय करने के उपरांत कोयम्बटूर में अप्रेंटिस के रूप में कार्य किया था। आज आप 43 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर वाले 3 कारखानों के न सिर्फ मालिक हैं बल्कि 200 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री के कनगराज, गरीब परिवार के कनगराज ने आईटीआई से डीजल मैकेनिक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1982 में अप्रेंटिस कार्यक्रम के उपरांत आपने ओएनजीसी लिमिटेड में सहायक तकनीशियन के रूप में कार्य किया। आप 1,40,000 रुपए वेतन प्राप्त कर रहे हैं। राधिका देवी, राधिका देवी ने महिला आईटीआई गुवाहाटी में प्रवेश लिया। अपने कौशल ज्ञान के कारण आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आशुलिपिक के रूप में नौकरी मिली, 2 पदोन्नतियां भी मिली। आपका वर्तमान मासिक पारिश्रमिक लगभग 80,000 रुपए है। कौशल को तराशने की साधना एक निरंतर निखरते जाने वाली यात्रा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करें। सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार श्री रघुनाथ जी, पश्चिम बंगाल। आपने आजीविका के सुअवसरों को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अखिल भारतीय दक्षता प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार का पुरस्कार जीता। आपको प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये मिलते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षु श्री रंगा आर, बेंगलुरु। मशीनों में रुचि के कारण इन्होंने मशीनिस्ट व्यवसाय का चुनाव किया। अखिल भारतीय शिक्षु प्रतियोगिता में इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षु चयनित किया गया है। इन्हें मिलता है प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल ने। ये पुरस्कार उस राज्य को दिया जाता है जिसके पात्र प्रतियोगियों के प्राप्तांकों का योग्य अधिकतम होता है। श्री सुशील कुमार प्रमाणिक निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हें मिलती है एक शील्ड। सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान का पुरस्कार मिल रहा है बॉश इंडिया बेंगलुरु को। मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर फ्रांस हॉबर, द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी वॉच इंडिया टू प्लीज कम अप ऑन टू द स्टेज एंड रिसीव द अवार्ड। ये पुरस्कार उस प्रतिष्ठान को दिया जाता है जिसके शिक्षु सभी व्यवसायों के सम्मिलित अंकों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। हमारी अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उद्योगों को अप्रेंटिस रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृपया 3 अप्रेंटिस को स्वीकृति पत्र प्रदान करें। सुश्री रवीना दिलीप भालेराव, मुंबई महाराष्ट्र। इनको मैसेस माइलस्टोन पीएलएम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल व्यवसाय में अप्रेंटिस नियुक्त किया गया है। इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जनाब इमरान नाजिम अख्तर, रायगढ़ महाराष्ट्र। इनको मैसर्स मेस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में अप्रेंटिस नियुक्त किया गया है। श्री दीपांकर देवनाथ, अगरतला त्रिपुरा। इनको नियुक्त किया गया है मैसर्स श्री रामकृष्णा इंजीनियर्स वर्क्स के द्वारा मैकेनिकल मोटर व्हीकल व्यवसाय में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब होगा सबका विकास, भारत का विकास। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रगति का प्रतीक है। अब भारत की विजय विकास यात्रा बिना रुके, बिना थमे, बिना थके चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ही भारतवासियों के लिए उत्साह और उमंग का कारण बन जाती है। माननीय, आपके सारे इनिशिएटिव्स राष्ट्र में एक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, चाहे उद्योग हो, श्रम हो या ग्राम, अर्थव्यवस्था हो या स्वच्छता, मेक इन इंडिया हो या स्किल्ड इंडिया। दुनिया के सामने भारत का ये उद्घोष अब हो चुका है कि इंडिया हैज़ अराइव्ड।
माननीय, इस राष्ट्रीय गर्व के लिए देशवासियों का हार्दिक धन्यवाद। हम आपसे अनुनय करते हैं माननीय कि कृपया हमें संबोधित करें, हम सबको राह दिखाएं। मंत्रिपरिषद के साथी और इस विभाग के मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री कलराज मिश्र जी, श्री अनंत गीते जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विष्णुदेव साई जी, सचिव श्रीमती गौरी कुमार, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव, श्रम एव जयते, हम सत्यमेव जयते से परिचित हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। और इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, दुर्भाग्य से हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब उसका बड़ा गौरव माना गया। कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति घर में दरवाजे पर आकर के अगर बेल बजाता है पूछने के लिए फलाने भाई है क्या, तो हम दरवाजा खोल कर आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या काम था। लेकिन एक फटे कपड़े वाला गरीब इंसान घंटी बजाए और पूछता है फलाने है क्या इस समय आने का समय है क्या, दोपहर को घंटी बजाते हो क्या, अभी जाओ बाद में आना। हमारा देखने का तरीका, सामान्य व्यक्ति की तरफ देखने का तरीका, क्योंकि हमने श्रम को प्रतिष्ठित नहीं माना है। कुछ न कुछ कारणों से हमें उसके नीचे दर्जे का माना है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्र को इस बात के लिए गंभीरता से सोचना भी होता है और स्थितियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अविरत प्रयास करना भी आवश्यक होता है। उन्हीं प्रयासों की कड़ी में यह एक प्रयास है, श्रमेव जयते, श्रम योगी। हमारा श्रमिक ये श्रम योगी है। हमारी कितनी समस्याओं का समाधान, हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक श्रम योगी के द्वारा होती है। और इसलिए जब तक हम उसकी तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, उसके प्रति हमारा भाव नहीं बदलते, समाज में हम उसको प्रतिष्ठा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए शासन की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है, कालबाह्य चीजों से मुक्ति की आवश्यकता होती है, नित्य नूतन प्राण के साथ प्रगति की राह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज जीवन में भी श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रमयोगी का गौरव, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। यह उस दिशा में एक प्रयास है। हम जानते हैं एक बेरोजगार ग्रेजुएट हो या एक बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ज्यादा से ज्यादा हम इस भाव से देखते हैं, अच्छा बेचारे को नौकरी नहीं मिली, बेचारे को काम नहीं मिल रहा है,
लेकिन गर्व करता है, नहीं ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, काफी अच्छा पढ़ता था। लेकिन कोई आईटीआई वाला मिले, नहीं यार वो आईटीआई में काम करता है, चलो यार वो तुम आईटीआई वालों चलो। यानी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की सबसे एक प्रकार का शिशु मंदिर है, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन हमने पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना हीन भाव पैदा किया। जो बच्चा आईटीआई में पढ़ता है वो भी कभी रेल में बस में कोई मिल जाता है तो अपना परिचय नहीं देता है कहाँ पढ़ता है, उसको संकोच होता है, आईटीआई वो बोलना बुरा मानता है, उसको लगता है। आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और मैं इन सबको बधाई देता हूं जो आज हमारे क्षेत्र के एम्बेसडर बने हैं। अब एक क्षेत्र में हम एम्बेसडर के लिए किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को ला सकते थे, कोई नट नटी को ला सकते थे, किसी नेता को रख सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो स्वयं निर्धन अवस्था में बड़े हुए, आईटीआई से ज्यादा जिसको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उसी आईटीआई की शिक्षा के बलबूते पर आज वो इतनी ऊंचाइयों को पार गए कि खुद भी हजारों लोगों को रोजगार देने लग गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईटीआई में प्रशिक्षण पाया लेकिन उसी बदौलत अपनी जिंदगी को बना दिया। हर आईटीआई पढ़ने वाला, हर श्रमिक, भले आज उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी न किसी सामाजिक आर्थिक कारणों से बहुत ही सामान्य अवस्था से हुई हो, लेकिन उसका भी हौसला बुलंद होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग। देखिए कितने लोग हैं बहुत आगे निकले हैं। जब तक हमारे एक सामान्य से सामान्य नागरिक के अंदर भीतर विश्वास पैदा नहीं होता है, वो अपने आप को कोसता रहता है, तो उसकी जिंदगी खुद पर ही बोझ बनती है, परिवार के लिए बोझ बनती है, देश के लिए भी बोझ बनती है। लेकिन उसके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें भी गौरव के साथ अगर जीता है तो वो औरों को भी प्रेरणा देता है। और इसलिए एक युवा पीढ़ी में विश्वास और भरोसा पैदा करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए एक ऐसे प्रयास को हमने प्रारंभ किया है। और बाहर का कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो उसको ठीक है साहब, अब आप तो बहुत बड़े बन गए और मेरा हौसला बुलंद कर रहे हो, लेकिन उसी में से कोई बड़ा होता है तब जाकर अच्छा भाई वो भी बना था, वो भी कभी आईटीआई में टर्नर था और वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा। आखिरकार यही सबसे बड़ी ताकत होती है और उस ताकत को जगाने के लिए ये एम्बेसडर्स, मैं तो चाहूंगा कि ऐसे सफल लोग हर राज्य में होंगे, हर राज्य में ऐसे सफल लोगों की गाथाओं की किताब निकले, पोर्टल पे उनके जीवन रखा जाए कि भी कभी आईटीआई पढ़े थे लेकिन आज जीवन में इतने सफल हुए हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग हैं हमारे गरीब, उनका विश्वास पैदा होगा और हर बार ऐसे लोगों को सम्मानित करना, उनको कोई तालुका का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई जिले का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई राज्य का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई राष्ट्र का ब्रांड, धीरे 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 इस परंपरा को विकसित करना है, मुझे नीचे तक उसको परकोलेट करना है, उसका एकदम से हॉरिजॉन्टली उसको काफ़ी स्प्रेड करना है। मैं चाहूँगा सब राज्य से हमारे मंत्री महोदय आए हैं वो उस दिशा में उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ करेंगे। उसी प्रकार से आईटीआई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो प्राणहीन हो, कभी कभार कागजी लिखा पट्टी में जो विफल रहते हैं उनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने उसको दिया होता है कि मैकेनिकल वर्क में, टेक्निकल वर्क में वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। हमारी आईटीआईज में ऐसे जो होनहार लोग हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर 2 घंटे बाद में उसको आईटीआई में बैठ करके मशीन पे काम करना है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। यहां कुछ लोगों को इसके लिए अवार्ड दिया गया कि अपना टेम्परामेंट होने के कारण इस व्यवस्था का उपयोग करते हुए उन्होंने कोई न कोई नई चीज इनोवेशन के लिए कोशिश की, कुछ नया प्रयास किया, एक डिसिप्लिन में गया लेकिन मल्टीपल डिसिप्लिन को ग्रास्प करने की उसके अंदर ताकत थी।
ये जो किताबी दुनिया से बाहर इंसान की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमारी आईटीआई जिसको पहचान है, उस दिशा में एक प्रयास करने का इसमें प्रयास हुआ है और उस प्रयास का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं 27,000 करोड़ रुपया ऐसे ही पड़ा है, तब ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अखबार में आ जाता है सरकार सोई पड़ी है, नेता क्या कर रहे हैं, भाषण कर वगैरह वगैरह, लेकिन उसका 27,000 करोड़ का कोई उपाय नहीं निकलता है। पड़ा है क्या क्या करे साहब, कोई लेने वाला नहीं आता है। मैं हैरान हूं हमारे देश में मोबाइल फोन, आप स्टेट बदलो वो नंबर चल जाता है, आप दूसरे देश चले जाओ नंबर बदल जाता है, सर्विस प्रोवाइडर इस राज्य में है दूसरे राज्य में नया सर्विस प्रोवाइडर है तो वो प्रोवाइडर आपका कनेक्टिविटी दे देता है। मोबाइल फोन वाले के लिए सब सुविधाएं हो सकती हैं, एक गरीब इंसान नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाए उसको वो लिंक क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसी सवाल ने मुझे जगजोड़ा और उसी में से रास्ता निकला है कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा वो कहीं पर भी जाए अकाउंट उसके साथ चलता चला जाएगा, फिर उसका पैसा कभी कहीं नहीं जाएगा। इस प्रयत्न के कारण ये 27,000 करोड़ रुपए जो पड़े ना, जिन किसी न किसी गरीब के पसीने के पैसे हैं, वो सरकार के मालिकी के पैसे नहीं है, मुझे उन गरीबों को पैसा वापस देना है और इसलिए मैंने खोज शुरू की इस अकाउंट नंबर से। वैसे कोई सरकार 27,000 करोड़ की स्कीम लगा दे तो हो सालों भर चलता है, वाह कैसी योजना लाए कैसी योजना लाए, लेकिन योजना का कौन है क्या हुआ कोई पूछता नहीं है। ये ऐसा काम है जो दुनिया कहते ना मोदी का क्या विजन है, उनको दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो विजन देखते देखते उनके चश्मे के नंबर आ गए हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता है, 27,000 करोड़ रुपया गरीब का पड़ा है गरीब की जेब में वापिस जाए, इसके लिए कहीं तो शुरू करें। हो सकता है कुछ लोग नहीं होंगे जिनका रहे नहीं होंगे, एक सही दिशा में प्रयास है, उसमें बैंकिंग को जोड़ा है, इंडस्ट्रियल हाउसेस को जोड़ा है और उस व्यक्ति को भी इसका मिल रहा है। और देखा होगा आपने योजना दिया जला करके लॉन्च नहीं की गई है, योजना किसी किताब का फोल्डर खोल करके नहीं की गई, एक्चुअली योजना में उन सबको SMS चला गया है लाखों लोगों को और योजना लागू हो गई है, यानी पूरी मेहनत पहले पूरी कर दी गई है बाद में उसको लाया गया है। वर्क कल्चर कैसे बदला जाता है इसका नमूना है, वरना क्या होता आज हम लॉन्च करते फिर 4-6 महीने के बाद रिव्यू करते, 1-1.5 साल के बाद हम आते अब हो गया है, तो योजना वहीं की भी रह जाती, पहले पूरा करो उसके बाद लोगों के पास ले जाओ, ये प्रयास किया है। मैं इसके लिए मंत्रालय को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एडवांस में उन्होंने काम किया। उसी प्रकार से हमारे देश का एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो सरकार में बैठे हैं हम मानते हैं हमारे साथ ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमसे ज़्यादा समझ किसी को नहीं है, हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा देश की परवाह किसी को नहीं है। ये गलत सोच है, 125 करोड़ देशवासियों पर हम भरोसा करें। सरकार आशंकाओं से नहीं चलती है, सरकार प्रारंभ भरोसे से करती है और इसलिए आपने देखा होगा अंग्रेजों के जमाने से एक व्यवस्था चलती थी कि आपको कोई सर्टिफिकेट को जेरोक्स करके कहीं भेजना है तो गैजेटेड ऑफिस का साइन लेना पड़ता था। हमने कहा है मुझे समझ नहीं आती है कि तुम तो बेईमान हो गैजेटेड ऑफिसर ईमानदार है, ये किसने तय किया, ये किसने तय किया। और इसलिए मैंने कहा कि तुम खुद ही लिख के दे दो हमारा सर्टिफिकेट सही है और दे दो और वो मान्य हो जाएगा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन ये वो बड़े विजन में नहीं आया होगा क्योंकि 60 साल में वो विजन किसी को दिखाई नहीं दिया है,
लेकिन घटना भले छोटी हो लेकिन उस इंसान को विश्वास पैदा होता है, हाँ ये देश मेरे पे भरोसा करता है, मेरा सर्टिफिकेट है और मैं कह रहा हूं मेरा है तो मानो ना। जब नौकरी देते हो तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे लेना। और इसके कारण ये जो बेचारों नौजवानों को रोजगार लिया कुछ लेना है तो अपना कॉपी सर्टिफाई कराने के लिए इतना दौड़ना पड़ता था, हमने निकाल दिया। इसमें भी हमने उद्योगकारों को कहा है, जो एम्प्लॉयर है वो बड़े बड़े उद्योगकार नहीं, छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, किसी के यहाँ 3 एम्प्लॉय है, 5 है, 7 है, 11 है, 18 है, ऐसे लोग हैं। और 500 प्रकार के डिपार्टमेंट उसका गला पकड़ते हैं, 500 प्रकार के उसको फॉर्म भरने पड़ते हैं। दुनिया बदल चुकी है। आखिरकार मैंने मंत्रालय को कहा, मंत्री भाई ये सब बदलना है, मैंने तो इतना ही कहा है बदलना था, लेकिन क्या बदलना है? मंत्रालय ने मेहनत की, अफसरों ने लगातार काम किया और आज 16 बताया आपने, 16 में से 16 अलग अलग प्रकार के फॉर्म हो रही है। एक फॉर्म शायद 4-4, 5-5 पेजेज का होगा, उन सबको हटा करके अब एक बना दिया गया और वो भी ऑनलाइन। और अब किसी को और को जरूरत होगी तो उस नंबर पे जांच करेगा तो सब वहां उपलब्ध होगा। अब वो बार बार उसको पूछने नहीं जाएगा क्या करोगे तुम। ये जो सुविधाएं हैं और यही तो मैक्सिमम गवर्नेंस है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है? यही है कि अब उनकी सारी झंझटें खत्म हो गई और उन्होंने कह दिया ये है हमारा, हो जाएगा। एक बड़ी समस्या रहती है इंस्पेक्टर राज, ये ऐसा शब्द है जो मैं तो छोटा था तब से सुनते आया हूँ। तब तो मुझे लगता है शायद पुलिस वालों के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे तब तो मुझे मालूम है, मैंने इंस्पेक्टर है ना, हम पुलिस समझते थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझने लगे, पता चला सा ये दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, हर गली मोहल्ले में है। क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? और इसी में से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हम लाए, और मैं मानता हूं ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, इकोनॉमिकल गवर्नेंस भी है, एट द सेम टाइम ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कुल मिलाकर के एक विश्वास पैदा करता है। अब कंप्यूटर ड्रॉ तय करेगा कि कल तुम्हें इंस्पेक्शन कहां करना है, और कंप्यूटर में ड्रॉ होगा तो पता होगा इतने बजे ड्रॉ हुआ, इंस्पेक्शन कितने बजे किया, वो वहां से एसएमएस जाएगा, पता चलेगा कि महाशय कब पहुंचे, और 72 आवर्स में वो अपना जो भी रिपोर्ट करना है उनको ऑनलाइन कर देना पड़ेगा। और इसके कारण मैं नहीं मानता हूं कि जो हैरेसमेंट वाला मामला है वो भी रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती खूब करते हैं, चोरी बहुत करते हैं और फिर गाली इंस्पेक्टर को देते, देखो आकर के मुझे परेशान करते, तो दोनों तरफ से गड़बड़ होती है। ये दोनों तरफ की गड़बड़ का निराकरण है इसमें, और स्वाभाविक है इसके कारण एक वाइड स्प्रेड एक्टिविटी होगी। मुझे अभी भी कोई समझ नहीं, मैं कभी सोचता हूं हम कार खरीदते हैं, हमारी कार का ब्रेक ठीक है कि नहीं है, एक्सीलेटर ठीक है कि नहीं है, गियर बराबर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सरकारी कोई अफसर आकर के इंस्पेक्ट करता है क्या? हम ही करते हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है भाई मुझे जीना मरना है तो मैं गाड़ी मेरी ठीक रखूंगा। ऐसे फैक्ट्री वाले को मालूम है भाई मेरा बॉयलर मैं ऐसे थोड़ा रखूंगा जिसके कारण मैं मर जाऊं, तो हम उसमें भरोसा करें भाई तुम अपना बॉयलर का सर्टिफिकेट लेकर के सरकार में जमा करा दो, तुम्हारा बॉयलर ठीक है, तुम आगे बता दो बस। मैं तो हैरान हूं, कभी किसी जमाने में एक बड़े शहर में एक या दो लिफ्ट हुआ करती थी, बड़े शहरों में जिस जमाने में लिफ्ट शुरू हुई, अब सरकार ने लिफ्ट कि इंस्पेक्शन सरकार म्यूनसिपैलिटी ने अपने पास रखा, अब हर जगह पर लिफ्ट होने लगी, अब इंस्पेक्टर एक है और लिफ्ट का परीक्षण उसको करना पड़ता है, वो कहाँ से करेगा? जो सोसाइटी वालों को बोलो भाई तुम 6 महीने में एक बार चेक कराओ, हमको चिट्ठी लिख दो कौन किसने चेक किया और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेटर भेज दीजिए, क्योंकि वो भी तो नहीं चाहता ना लिफ्ट में मरना। हम उसको जितना जोड़ेंगे, उसका जितना भरोसा करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं कम होती जाएगी और लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं। उस दिशा में काम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास ये सुविधा पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन की नई टेक्नोलॉजी एडेड व्यवस्था की गई है और उसके कारण मुझे विश्वास है कि हम जो ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ईज ऑफ बिजनेस प्रमुखतया शासन की जिम्मेवारी होती है, उसकी कानूनी व्यवस्थाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्पीड, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है और इसलिए ईज ऑफ बिजनेस मेक इन इंडिया की प्रायोरिटी है। उसी प्रकार से हम उद्योगकारों के कहने पर और से उनके आग्रह पर या उनकी सुविधा के लिए लेबर के लिए सोचते रहेंगे तो कभी लेबर को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। हमने लेबर समस्या को लेबर के नजर से ही देखना है, श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। उद्योगकार की आंखों से श्रमिक की समस्या नहीं देख सकते हैं और इसलिए श्रमिक की आंखों से श्रमिक की समस्या देख करके उसके जीवन में सुविधाएं कैसे बढ़े, वो अपने हकों की रक्षा कैसे कर पाए, जो चीजें उसको अब देखिए परंपरागत रूप से हमारे यहां कुछ लोगों को बहुत काम आता है लेकिन वो किसी व्यवस्था से नहीं निकला है इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों ना हम जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ सीखा है, मान लीजिए किसी के यहां प्यून के नाते काम करता है लेकिन प्यून का काम करते करते उसको ड्राइविंग सीख लिया, आ गए ड्राइविंग में, लेकिन चूंकि बेकायदा के पास ड्राइविंग के लिए सर्टिफाइड व्यवस्था नहीं है, कहां सीखा क्या नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की दिक्कत है, इसलिए कोई उसको ड्राइवर रखता नहीं, पूछते हैं यार पहले कहीं ड्राइवरी की थी क्या, वो मिलता नहीं। क्यों ना हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएशन के लिए काम किए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी ग्रुप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन चार कामों को मास्टरी है मेरी, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ यहाँ काम है और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ने मुझे दिया हुआ है तो उसको तुरंत, वरना वो क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर में बेचारा जिंदगी काटता रहता है जबकि है स्किल्ड लेबर, वो उसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है। ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता, उसके लिए सरकार ने एक लंबी सोच के साथ चिंता करनी पड़ेगी, उस चिंता को पूरा करने का हमारा प्रयास इन प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए अब मुझे बताइए हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उद्योगकारों को लोग चाहिए, हम चाहते हैं कि नौजवान बेचारा जो फ्रेश निकला है उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, वो उद्योगकार उसको घुसने नहीं देता है, क्यों भाई वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा, तुम बाहर रहोगे, तुम आओगे तो मेरे किताब में ऐसा भर जाएगा मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगा, वो सरकारी डर से आने नहीं देता, करता है तो कभी बेईमानी से करता है, क्यों ना उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे अप्रेंटिस जो हमारे नौजवानों को अवसर मिले, एक बार अवसर मिलेगा तो जो क्वालिटी मैन पावर है वो अपने आप ऊपर आएगा, उसको अच्छा स्कोप मिल जाएगा और देश की जो रिक्वायरमेंट उस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसीलिए जैसा मंत्री जी ने बताया पार्लियामेंट में इस बात को किया जो 4 लाख अप्रेंटिस 93 लाख चले, अब आप बताइए कितने नौजवानों को ऐसे छोटे 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 हर्डल्स है, उनको भी अगर संबोधन अप कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं ये हम अनुभव कर रहे हैं और इसलिए सरकार ही देश चलाए उस मिजाज से हमें बाहर आना है, देश के सब मिलकर के देश को चलाए उस दिशा में हमें जाना है और इसी के लिए सबकी भागीदारी के साथ सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है, दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा और इसलिए हमें
एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को, जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाए, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल वर्क फोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई आईटीआई के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में, एक एक दो दो लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्कफोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश ये है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है और आज एक साथ, वैसे ये एक एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफ़ी काम करने हैं इसलिए मैं एक एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूँ। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वयं में या आईटीआई के नौजवानों में विश्वास भरिए, आप बात कीजिए उनसे, मिलिए, आप देखिए क्या कहाँ बुलंदी पर हम पहुँच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करने सीखे। कभी कभार मुझे विचार आता है, कोई बढ़िया सा शर्ट खरीदा हो, पहन करके दफ्तर गए हो या समारोह में गए हो, तो 5-10 दोस्त पूछ, वाह क्या बढ़िया शर्ट है, क्या बढ़िया शर्ट है। कॉलेज में गए हैं, बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन के गए, तो वाह, सब लोग देखते वाह क्या यार, फिर तो सेल्फी भी निकाल देता है, सर्कुलेट भी कर देता है। लेकिन क्या कभी सोचा, क्या मेरे जेब में पैसे थे इसलिए शर्ट आया, क्या मेरे पिताजी ने 2-4 हजार रुपया मेरे पॉकेट खर्च के लिए दिया था उसके लिए शर्ट आया? नहीं, मेरे पैसों के कारण मेरा शर्ट नहीं आया है, मेरा शर्ट इसलिए आया है कि किसी गरीब किसान ने मई जून की भयंकर गर्मी में खेत जोता होगा, कपास बोया होगा, बारिश में भी रात भर काम किया होगा, तब जाकर के कपास हुआ होगा। किसी गरीब मजदूर ने उसमें से धागा बनाया होगा, किसी बुनकर के उसको कपड़े में परिवर्तित किया होगा, किसी रंगाटी ने अपनी जिंदगी के रंग की परवाह किए बिना, शरीर के रंग की परवाह किए बिना, हाथ कितने ही रंगों से रंग क्यों न जाए, उस कपड़े को अच्छे से रंग से रंगा होगा। कोई दर्जी होगा जिसने उसको सिलाई की होगी, कोई गरीब विधवा होगी जिसको अपनी बेटी की शादी करवानी है इसलिए रात रात बुढ़ापे में भी उन कपड़ों पर घाज बटन किया होगा, कोई धोबी होगा जिसने बढ़िया सा प्रेस किया होगा, कोई पैकेजिंग करने वाला बच्चा मजदूर होगा उसने बेचारे ने जाकर के पैकिंग का काम किया होगा, तब जाकर के एक शर्ट बाजार में आकर के मेरे शरीर पर आया होगा, मेरे पैसों के कारण नहीं आया। शर्ट मेरे पैसों से नहीं निकलता है, अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है। और इसलिए समाज के इन श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रम योगी राष्ट्रीय योगी बनेगा, ये श्रम योगी राष्ट्र निर्माता बनेगा। और उसी दिशा में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज एक बहुत अहम कदम कोई और हम आगे बढ़ रहे हैं जो मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करेगा,
विश्व को भारत में लाने के लिए निमंत्रण देने का लिए मेरा श्रमिक खुद भी एक शक्ति बन जाएगा, इसी विश्वास के साथ फिर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपकी प्रेरणा के लिए। अब मैं सचिव श्रम एवं रोजगार श्रीमती गौरी कुमार से अनुरोध करूंगी कि कृपया आभार प्रकट करें। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सरश्रम और रोजगार के मुद्दों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की जो दिशा और दृष्टि आपने दी है, उसमें आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति से, श्रमयोगी की प्रतिष्ठा के आह्वान से एक नया जोश और उमंग भर गई है। और सब मंत्रालय के मैं सारी टीम्स की अथक मेहनत और प्रयास को आज आपने सर सार्थक कर दिया। सब मेक इन इंडिया कार्यक्रम में युवा वर्ग और श्रमिकों को पूरा भरपूर योगदान देने और बुलंदियों तक पहुंचने का हौसला आज आपने बुलंद किया है। थैंक यू सो मच सर। हम माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के प्रति भी कृतज्ञ हैं, जिनकी प्रेरणा से आज का यह कार्यक्रम संभव हुआ है। श्रम से संबंधित लगभग सभी मुद्दे केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं और उनके सहयोग से ही ये पहले संभव हो सकी हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों एवं सचिवों की भी आभारी हूँ। श्रम मंत्रालय के सभी विषय संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। मुझे प्रसन्नता और गर्व है कि हमारी सभी पहले और विचार गोष्ठियों में राज्य सरकारों ने बढ़ चढ़कर समान भागीदारी और सक्रिय योगदान किया है सर। उसके लिए मैं राज्य सरकार के सभी सम्मानित मंत्रियों और अधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ। आज सर केंद्रीय उपक्रमों के अधिकारी और हमारे अपने संस्थानों के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। श्रम सुविधा पोर्टल के सफल संचालन के लिए सब हम पूरी कटिबद्धता से काम करेंगे। NIC ने इस पोर्टल को विकसित करने के लिए कठोर परिश्रम किया है और इस पहल के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत सी राज्य सरकारों ने सर, अभी हमने 16 एक्ट्स को इस पोर्टल पे डाला है, मगर बहुत सी राज्य सरकारों ने सर इस पोर्टल को जोड़ने की तत्परता बताई है, जिसकी कार्य योजना हम आज दोपहर की कॉन्फ्रेंस में फाइनल करेंगे और उम्मीद है कि बहुत से राज्यों में सभी 44 लेबर एक्ट्स का एक ही पोर्टल से निराकरण हो सकेगा। सर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपकी प्रेरणा से ये कंपनियां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता और गुणवत्ता प्रदान कर सकेंगी, इसमें सक्षम होंगी, ये हमारी उम्मीद है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर, कौशल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और युवा अप्रेंटिसेस का जो सम्मान किया गया है सर, वो वोकेशनल ट्रेनिंग क्षेत्र के लिए एक रिवोल्यूशनरी सुनहरी शुरुआत है और हमारे युवा ट्रेनीज को शॉप फ्लोर पर क्वालिटी